राशि को नियमित बना के वो करा सकते हैं। वैसे ही हमारा इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है और हैदराबाद से में जब पार्टीशन हुआ, जब नेपाल भारत से पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो 1950 में यहाँ माउंट में शिफ्ट हुए। पहले को एक और स्थान था लेकिन इतना सुटेबल नहीं था, कुछ समय के बाद यहाँ शिफ्ट हुए। तो पिताश्री जी का एक ही लक्ष्य था, वो हमेशा कहा करते थे कि हम जो भी काम करते हैं पहले उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, तपस्या करें, उसके एक्सपीरियंसेस करें और उस एक्सपीरियंसेस के द्वारा, उस तपस्या के द्वारा दूसरों को बेनिफिट। तो पिताश्री जी ने यहाँ रह करके और भी काफ़ी भाई बहन हमारे सीनियर दादी सब थे, यहाँ रह करके बहुत घंटों तक मेडिटेशन करते थे, मॉर्निंग टाइम इवनिंग टाइम। फिर पिताश्री जी कहा करते थे कि आप ये प्रकृति को भी प्योर वाइब्रेशन दो, क्योंकि नेचर जो है ये भी हमारे जीवन का एक अंग है, इसको प्योर वाइब्रेशन देंगे तो ये आपको बहुत अच्छे अच्छे इनर और बाहरी एक्सपीरियंसेस कराएंगे। तो पिताश्री जी खुद यहाँ बगीचे में जाते थे, बाबा ने यहाँ झोंपड़ी अपने हाथ से, बगीचा अपने हाथ से लगाया था। मॉर्निंग टाइम मेडिटेशन के बाद गार्डन में जा कर के फ्लावर्स को देखते थे, तो कहते थे कि जैसे गार्डन की शोभा फ्लावर्स से, इसी तरह से परमात्मा ने भी गार्डन बनाया है, तुम ह्यूमन बीइंग्स जो है ये भी गॉड परमात्मा के बगीचे के फ्लावर्स हो। लेकिन फ्लावर्स में भी डिफरेंस है, कई फ्लावर्स हैं जो खुशबूदार हैं, कई फ्लावर्स हैं डेकोरेशन के लिए, कुछ फ्लावर्स हैं जो प्रोटेक्शन के लिए हैं, कुछ कांटे हैं वो प्रोटेक्शन के लिए। तो कई बार कई कहते थे कि दुनिया में ऐसे लोग हैं, यहाँ पर किसके नेचर ऐसी है। तो पिताश्री जी कहा करते कि आप दूसरे के नेचर को क्यों देखते हो, पहले अपने नेचर को चेंज करो, अपने आप पर कॉन्सेंट्रेट करो। तो बाबा ने यही एग्जाम्पल दिया, कांटे हैं प्रोटेक्शन के, जो अननेसेसरी प्लांट्स है उसको उसका हम गुलदस्ता बना लेते हैं, उससे उसकी शोभा बन जाती है। तो इस जीवन के अंदर कुछ भी अननेसेसरी है नहीं, उसको ब्यूटीफुल बनाना, उसको अच्छा बनाना, उसका बेस्ट यूज़ करना, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। यही कारण है पिताश्री जी ने हर जो छोटे छोटे बच्चे उस समय आए, हमारी बहनें आई, उनके अंदर हर एक की गुण और वर्चूस को देखा, गुण और वर्चूस को देख करके पिताश्री जी उनके गुण और वर्चूस को अप्रिशिएट करते थे और फिर उस अप्रिशिएशन से कहा ये क्या नहीं कर सकते। तो जैसे उन्होंने अप्रिशिएशन से उनके अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति भर दी, उमंग कर दिया, आशा के दीपक जगा दिए, बस वो दीपक जगना, वो शक्ति भरना, इस यज्ञ की सेवा का, इस इंस्टीट्यूशन की सेवा का फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जिस कारण से ये कार्य दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। तो पिताश्री जी ने ये जो कार्य हैं वो माताओं के हाथ में दिया। पिताश्री जी कहा करते थे कि मातृ जाति के कि माता के अंदर जो है, भारत के अंदर क्या है, नारी की पूजा करते हैं, देवियों की पूजा करते हैं, अपनी कोई मनोकामना पूर्ण करनी होती है तो भी देवियों के पास ही जाते हैं ना। तो आज कहते हैं नारी को, उन्होंने कहा नारी नरक का द्वार है, लेकिन बाबा कहते थे नारी स्वर्ग का द्वार है। माता ना हो तो घर नहीं समझ सकता, माता ना हो तो बच्चे नहीं बन सकते, माता ना हो तो समाज का उद्धार नहीं हो सकता, कल्याण नहीं हो सकता है। तो उन्होंने कहा माता को भी हम उसी स्टेटस से लेकर रिस्पेक्ट देकर के उसको आगे बढ़े। तो पिताश्री जी ने यही कार्य किया, माताओं के अंदर जो वर्चूज एंड क्वालिटीज हैं उसको उन्हें रियलाइज किया कराया, उन्हें डिवेलप करने के लिए प्रेरणा दी। तो ये सारा कारोबार पिताश्री जी ने माताओं के हाथ में किया, लेकिन माताओं के साथ यहाँ पर भाई बहने भी हैं और यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार का, कोई भी प्रकार का बंधन नहीं। पिताश्री जी कहा करके खाओ पियो मौज करो घूमो फिरो सब कुछ करो, ना घर का त्याग करना है, ना परिवार का त्याग करना है, ना समाज का त्याग करना है, ना जो आपको सेवा मिले ना उसका त्याग करना है, लेकिन आपको क्या करना है,
कि आपके अंदर जो गुण हैं उनको डेवलप करना, मन की शांति को बनाए रखना, और सारे दिन के अंदर 5 मिनट परमात्मा को याद करना। लोग कहते हैं टाइम नहीं है भगवान को कैसे याद करें, जब कोई मुसीबत आए तब याद करें, फिर भगवान को प्रार्थना करें हमारा ये काम कर दो। उन्होंने कहा पहले से ही परमात्मा को अपना साथी बना लो तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं है, और सारा दिन आप अपने पे ध्यान देते हो, अगर शरीर को भोजन अच्छा नहीं देते ना, बार बार के आज मैंने न्यूट्रिश भोजन नहीं खाया, आज मेरे अंदर डॉक्टर ने कहा ये विटामिन की कमी है, इसकी कमी है, इसलिए विटामिन को भरना है, उसके लिए ऊपर ध्यान देते हो, लेकिन शरीर को हेल्दी बनाने वाली जो आत्मा है, मन और आत्मा का बैलेंस, शरीर और मन का बैलेंस, उस पर हमने ध्यान नहीं दिया। तो पिताश्री ने एक ही बात कही कि आप हर रोज मन को एक शुद्ध शक्तिशाली विचार, सुबह उठते ही तैयार होकर के एक शुभ संकल्प करो, परमात्मा को याद करो, बस 5 मिनट ये आप इसको देंगे तो आपका सारा दिन इतना ठीक रहेगा, इतना अच्छा रहेगा, आप जो भी काम करेंगे उसमें भी आपको खुशी रहेगी। नहीं तो आज जो काम करें बहुत टेंशन से, हमारे आजीवन के प्रॉब्लम है, इतना काम है, हम क्या करें, हमारे से होता नहीं है, परिवार को भी चलाना है, समाज को भी देखना है, घर को भी देखना, कर भी रहे रो भी रहे दोनों काम साथ साथ कर, करना भी है पछताना भी है, घर में बच्चों को पालेंगे भी उसके ऊपर प्रेशर भी डालेंगे, कोई दूसरा तो आएगा नहीं करने के लिए, करना भी आपको है, चलाना भी आपको है, देखना भी आपको है, तो बाबा कहते हैं क्यों नहीं आप खुशी से करते, खुशी से तब कर सकेंगे जब आपका मन खुश होगा। तो यही पिताश्री ने सिखाया है कि अपने को एक तो बैलेंस लाइफ लीड करना, दूसरा अपने मन को कभी तंग नहीं करना, मन को स्वस्थ बनाओ, जीवन के अंदर मन को खुश रखो, मन खुश तो तन खुश, तो मन की खुशी का असर तन के ऊपर पड़ता है, तन को थोड़ी बहुत कोई बीमारी है तो मेडिसिन और मेडिटेशन से के बल से हम उसको कर सकते हैं। तीसरी बात उन्होंने कहा कि आपको कुछ नहीं छोड़ना है, सब कुछ करो लेकिन परमात्मा को अपना साथी बनाकर, क्योंकि परमात्मा ने आपको इस सृष्टि रूपी रंग मंच पर कार्य करने के लिए भेजा है, तो जो पार्ट बजा उसको खुशी खुशी बजाओ, और पार्ट बजाते समय उसमें लिप्त नहीं हो जाओ, जैसे कमल का फूल पानी और कीचड़ में रहते उससे अलग रहता है, ऐसे अपनी लाइफ को भी वैसा चले, और जैसे नाव पानी के अंदर चलती, चलाने वाले इतने एक्सपर्ट है कि पानी नाव में ना आए, ऐसे जीवन रूपी नाव जो है विषय विकारों के सागर के ऊपर चलेगी, उसके लिए पिताश्री ने कहा ज्ञान और परमात्मा स्मृति दो ऐसे साधन हैं जिस आधार से आप अपने जीवन को बैलेंस लीड कर सकते हो। वैसे तो बहुत सी शिक्षाएं हैं, थोड़ी सी बातें बताइए आपको जी, थोड़ा सा आपके बारे में बताइए। मेरा नाम, इस शरीर का नाम जी के शशि प्रभा बहन है, मैं लगभग 60 वर्षों से इस इंस्टीट्यूशन से कनेक्टेड हूँ जी, और पहले तो मैं अपने परिवार में घर में रहते थे, जॉब करते थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सीनियर टाउन प्लानर ऑफिस में कुछ समय किया, लेकिन शुरू से लेकर के आध्यात्मिकता के प्रति रुचि थी, और हमारे माँ बाप को भी था कि इसके आध्यात्मिकता में रुचि है, तो हमने उनको बताया कि हम इससे कनेक्टेड हैं, वो भी इससे कनेक्टेड हैं, तो उन्होंने खुशी से कहा कि आप ज़रूर ये सेवा करें, क्योंकि ये सेवा करने से बहुत बल मिलता है, अनेकों को बहुत लाभ भी दे सकते हैं, तो इस सेवा से बहुत प्राप्ति भी होती है, खुद को भी रियलाइज़ करते हैं, अंदर की अपने शक्तियों को भी उजागर कर सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर लगभग मैं 74 से हूँ, यहाँ रहते हुए भारत और विदेश के कई सेवा केंद्रों पर सेंटर पर सेवा करते हैं, और यहाँ जो कारोबार हैं हमारी दादियाँ ही करती हैं, लेकिन उनके साथ रहते हुए हमें ये सीखने को मिलता है कि ये हम बाहरी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में
अंदर के एडमिनिस्ट्रेशन को हम कैसे चलाएं। पहले अंदर का एडमिनिस्ट्रेशन अगर श्रेष्ठ है तो बाहरी एडमिनिस्ट्रेशन करने में भी कोई कठिनाई नहीं आती है। और उतराव चढ़ाव तो आएगा ही, आप ड्राइविंग करते रास्ते में ऊंची जगह नीची जगह कहीं पर खड्डा कुछ तो आएगा ना, ड्राइवर एक्सपर्ट उसको मालूम है कहाँ पर टर्न करना है, कहाँ रिवर्स करना है, कहाँ साइड लेना है, तो ऐसे उसको पता है। ऐसे अपनी आत्मरूपी गाड़ी को चलाने की अगर नॉलेज है तो ये एडमिनिस्ट्रेशन भी इजी हो जाता है। और एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे बड़ी बात है एक तुम्हारी फैमिली फीलिंग हो। हमारे यहाँ पर बाबा ने ये नहीं कहा कि नौकर है सर्वेंट वो नहीं, हमारा हमारा एक परिवार है, परिवार में कैसे चलना। दूसरा कि ये परमात्मा का कार्य, हम इसमें केवल इंस्ट्रूमेंट है। तीसरी बात हमेशा कहा करते कि हर एक के अंदर कोई ना कोई वर्च्यू है, उसकी वर्च्यू को उसकी वैल्यू को उसके गुणों को अप्रिशिएट करेंगे तो कार्य और सहज हो जाएगा, तो वो कार्य करना सहज रहता, कोई कठिनाई नहीं। जी बहुत ही अच्छी बात आपने कही। ये जो आपका यहाँ पे आप बोले 74 से आए हैं, तो तभी से आपने अभी एडमिनिस्ट्रेट आप संभाल रहे हो? नहीं तभी से नहीं, मेरी दादी ही संभाल रही है। अच्छा अभी आप संभाल रहे हो, कितने साल से? मैं अभी कुछ ही नहीं करती। अच्छा ऐसा है, ओके। सब वही करते हैं, हम भी कुछ जो देखा है जो भी कार्य कहते हैं वो कर देते हैं। जी मैं तब से लेकर के दादियों के साथ रहते हुए भी वो कैसे करते हैं देखते हैं, देखते चले आ रहे हैं, देखना मीन्स सीखते चले आ रहे हैं, तो इसलिए ऐसे सीखते जा रहे हैं। अभी भी हम सीख रहे हैं, जो भी कार्य हमको देते हैं वो करते हैं। करने वाला परमात्मा है, किसी न किसी को निमित्त बना के करा सकता है। कि वैसे तो हमारे सभी भाई बहने हर डिपार्टमेंट को संभालते हैं, जी। तो बहुत प्यार से कर रहे हैं, कुछ भी कोई काम होता है पूछ लेते हैं, तो सब प्यार से करते हैं। आप आबू के हो कि कहीं और से? मैं हरियाणा की हूँ। अच्छा। उस समय पंजाब था, बाद में पार्टीशन हुआ, मैं करनाल से हूँ जी। अभी पार्ट लेकर करनाल से की अभी हरियाणा में है, हरियाणा से हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओम शांति, ओम शांति।